अगर गाइस मैं आपसे पूछूं कि अब तक का सबसे यूनिक बैन कौन है, तो शायद गाइस आप लोग बोलोगे अल्टीमेट बैन, क्योंकि वह विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन के भी वह उन एलियंस का पावर यूज करता है। पर गाइस यहां पर एक क्वेश्चन यह है कि अगर अल्टीमेट बैन एलियन एक्स का पावर यूज करेगा तो क्या वह एलियन एक्स बनेगा? क्या वह एलियन एक्स के अंदर जाके सेरिना एंड वेलिकस से क्या वो परमिशन लेगा? उसको क्या अंदर जाना पड़ेगा? और अगर वो गूप में ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या वो लिक्विड बन जाएगा? गाइस ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि गाइस हमने देखा है कि अल्टीमेट बैन ज़्यादातर वही एलियंस का पावर यूज़ करता है जो कि थोड़े से यूनिक ही होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट क्लॉक वर्क अल्टीमेट ह्यूमंगस और इस तरह करके। गाइस जो हमारा अल्टीमेट बैन है वो ज़्यादा पावर्स को यूज़ करता है, पर क्या हो अगर वो गूप में ट्रांसफॉर्म हो, या फिर एक दो ऐसे यूनिक एलियंस हैं, या फिर वह एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो तो क्या होगा? तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, तो गाइस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने आपको बताया कि सबसे यूनिक बैन अल्टीमेट बैन है, क्योंकि ये विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन के भी उन एलियंस का पावर यूज करता है। तो गाइस यहाँ पर बहुत ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने ही पूछा है कि क्या हो अगर वो गूप में ट्रांसफॉर्म हो, क्या हो अगर वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो, या फिर क्या हो अगर वो वेबिक का पावर यूज करे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अल्टीमेट बैन अगर एलियन एक्स का पावर यूज करेगा तो उसको परमिशन की जरूरत नहीं है, वो गाइस सेरिना एंड वेलिकस से परमिशन नहीं लेगा, क्योंकि गाइस बैन 10,000 जो है वो प्राइम बैन का सबसे ऊपर वाला है, तो गाइस उसको परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस अल्टीमेट बैन जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट होने के कारण उसको गाइस परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जब चाहे तब एलियन एक्स का पावर यूज कर सकता है। और गाइस यहाँ पर जो गूप का पावर है, गूप का भी पावर वो आसानी से यूज कर सकता है। अब गाइस देखो यहाँ पर कैसे वो कर सकता है, वो गाइस लिक्विड में ट्रांसफॉर्म तो नहीं होगा, वो ह्यूमन ही रहेगा, पर उसका जो पूरा बॉडी है वो लिक्विड जैसा हो जाएगा, जैसे कि गाइस आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि वो लिक्विड है, पर वो छोटे से छोटे किनारों के गेट के किनारों से भी वो किसी भी अंदर घुस सकता है घर के। ये गाइस कभी भी हमें दिखाया नहीं गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, पर गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर गाइस कभी भी अगर वो गूप में ट्रांसफॉर्म होता तो गाइस हमें ये देखने को ही ऐसा मिलता कि वह छोटे छोटे होल से भी जा सकता है, पर उसका जो बॉडी है वह पूरी तरीके से इसी तरह रहेगा जैसे कि वह रहता है, पर उसका जो पावर्स है वह गूप के तरह हो जाएगा, या फिर एलियन एक्स जिस तरह से अपने पावर्स को यूज करता है वो अपने हाथों से एक ऐसा सर्कल बनाता है जिससे कि वह टाइम लिमिट को कुछ भी कर सकता है। गाइस एलियन एक्स हमें ये बात को पता है, तो वह ऐसा कुछ कर सकता है। अब गाइस मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए, और भी बहुत सारे एलियंस है गाइस, लाइक स्पाइडर मंकी के तो पूछ भी होते हैं, तो यहाँ पर अल्टीमेट बैन के पास पूछ नहीं है। इस तरह करके अल्टीमेट ह्यूमंगसोर जो है वो अपने हाथों से कैनन भी निकाल सकता है, अल्टीमेट बैन भी कैनन निकाल सकता है, पर उसके हाथ में कुछ होता नहीं है, फिर भी वो अपने हाथों से कैनन निकाल सकता है। तो यहाँ पर अल्टीमेट बैन पावर्स तो यूज कर सकता है, पर वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ना वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होगा, ना वो गूप में ट्रांसफॉर्म होगा, बाकी और भी कई एलियंस में वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, पर वह उन एलियंस का पावर यूज भी करेगा। और गाइस ऐसा भी नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्म हो नहीं सकता है, गाइस आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है, अल्टीमेट बैन गाइस कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है एलियंस में, वो बैन की तरह कभी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पर वो ज्यादा ट्रांसफॉर्म होता नहीं है, वो सिर्फ एलियंस का पावर ही यूज करता है, क्योंकि उसको ये बात पता है कि किस तरह से लड़ा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, इसके अलावा उसके पास बहुत सारे मैना पावर्स भी हैं। तो गाइस मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया, अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।